मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को तीसरे ठंडे जल वितरण शिविर के उद्घाटन के मौके पर समाज सेवी रोहित नुनिया ने कहा। हमारे संवाददाता बंटी खान की कुल्टी से रिपोर्ट, आइए जानते हैं पूरी खबर। मानव सेवा धर्म के उद्देश्य से इस चिलचिलाती धूप में गर्मी के प्रकोप से आने जाने वाले राहगीरों को थोड़ी ठंडक मिले, वे अपने प्यास को बुझा सके, इसके लिए पश्चिम बर्धवान एकता वेलफेयर सोसाइटी ने पूरे कुल्टी विधानसभा में 6 विभिन्न स्थानों पर ठंडा जल वितरण शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पश्चिम बर्धवान एकता वेलफेयर सोसाइटी के तत्वान में नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से एक महाव्यापी तीसरा ठंडा जल वितरण शिविर का उद्घाटन नियामतपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के ठीक विपरीत GT रोड पर किया गया। इस शिविर का उद्घाटन माइंस रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर के महाप्रबंधक राजकुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर NGO के अध्यक्ष परिदेवी, सचिव राहुल कुमार नुनिया, समाज सेवी सह पूर्व पार्षद रोहित नुनिया 58 नंबर वार्ड के पार्षद संजय नुनिया, 59 नंबर वार्ड के पार्षद जाकिर हुसैन, माइंस ऑफ रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट अभिजीत कुंडू, के राय, महिला नेत्री अनीता सिंह, सावित्री टूडू, पूर्व मेयर परिषद सदस्य मीर हासिम, पूर्व पार्षद राजेश साव, सुजीत कुमार सिंह, विनोद साव, धर्मवीर नोनिया, मनोज नोनिया, नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंदर सिंह, अध्यक्ष अशोक सिंह के अलावा कई और भी विशिष्ट व्यक्तिगण मौजूद रहे। सबों ने इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों के बीच जल वितरण किया गया, साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी इंतजाम रखा गया था। आइए देखते हैं पूरी खबर न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। शरबत का आयोजन किया गया है। पश्चिम बर्धवान एकता वेलफेयर सोसाइटी मतलब एकता मतलब पिलाएंगे सबको ठंडा जल। ये देखिए आपका तीसरा कैंप है, तीसरा कैंप खुलेगा, तीसरा कैंप है और कहाँ कहाँ कैंप खुलने वाले हैं? अभी चीनाकुड़ी में कल हम लोग का 10 बजे कल कैंप खुलेगा एक ठो, उसके बाद फिर बड़ाकर में है, मेन मोड़ में है। इस संस्था को लेकर क्या वार्ता देना चाहते हैं लोगों के प्रति? ये वार्ता देना चाहते हैं कि ये संस्था मतलब ये कमाने के लिए नहीं है, ये सोशल वर्क समाज सेवा के लिए है। ये हम चाहते हैं कि सभी इसमें धीरे धीरे करके जुड़े और जितना मतलब मानव सेवा है यही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म है, इसी को हम लोग मान करके आगे चलते हैं।